डांस वाला राजस्थान से आया, मेरे को गाल ब्लेडर में, मतलब जिसको अपन हिंदी में बोलते पिताशय, पीट की थैली में पथरी थी, बड़ी पथरी थी 17-17.5 mm की। उसके बाद में काफ़ी सारी छोटी पथरियाँ भी थी, तो उसका 2-4-5 जगह पूछा कि भाई ये गाल ब्लेडर की पथरी दवाई से निकलती है, तो सब लोगों ने डॉक्टर ने कहा नहीं निकलती है, गाल ब्लेडर पेक होता है तो गाल ब्लेडर ही निकालना पड़ता है। तो पहले काफ़ी कैसे निकाले कैसे नहीं निकाले काफ़ी डरे हुए थे, पर हम डॉक्टर चिराग भाई ठक्कर के पास आए तो उन्होंने बताया कि गाल ब्लेडर की में जो पथरी होती है वो निकलती है, गाल ब्लेडर ही निकलता है, गाल ब्लेडर में से पथरी नहीं निकलती है, बस बड़ी भी है छोटी भी काफ़ी सारी। तो फिर हमने ऑपरेशन करवाया, ऑपरेट करवाया, कल गाल ब्लेडर निकाला। पहले डर लग रहा था कि निकला कैसे क्या, लेकिन निकाला उन्होंने उसके, कल ऑपरेट किया, उसके 2 घंटे बाद में चलना फिरना शुरू कर दिया, लिक्विड लेना शुरू कर दिया, उसके बाद में 2-4 घंटे बाद में खाना भी शुरू हो गया और घूमने भी शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कल ही छुट्टी मिल जाती हमारे को, पर कल हम बाहर के हैं तो कल नहीं दी छुट्टी, अब हमें आज छुट्टी मिल रही है, 1-2 घंटे में हमारे को छुट्टी मिल जाएगी। और गाल ब्लैडर निकालने से कोई तकलीफ नहीं हो रही, ठीक है, हल्का फुल्का दर्द हो रहा है तो वो 1-2 दिन में सही हो जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसा पहले सोच रहे थे कि गाल ब्लैडर निकालने से है ना जो ये क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्टर चिराग ठक्कर है जिन्होंने ये ऑपरेशन किया, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ऑपरेशन किया, काफ़ी हेल्पिंग नेचर के हैं, काफ़ी ब्रिलियंट डॉक्टर। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो जरा भी नहीं डरे, गाल ब्लेडर में है, गाल ब्लेडर निकालने से कुछ नहीं होता है, मैंने निकाला भी अभी तक तो ठीक महसूस हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन।